जो अभी नया कानून बना है मोटर अधिनियम का, क्या आप किसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्या ये सही है? सही है सर, सही। ये जो फाइन है 10,000, 15,000, 5,000, 20,000, देखिए फाइन की बात तो नहीं कहूँगा, फाइन सरकार अपने नियम से रखे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा जो अभी कानून चल रहा है मोटर अधिनियम के तहत, इससे होता क्या है हमारी और आपके बीच या अदर वाहन के बीच एक फाइन की वजह से या अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं वजह होने की वजह से वो अपने आप में सतर्क होंगे, थोड़ा गाड़ी का भी स्पीड कम करेंगे, गाड़ी का जो कागज पत्र होगा वो अपना कन्फर्म करेंगे कि हमारा कहूँ गाड़ी का पेपर तो नहीं गलत है। सरकार का नियम जो है अच्छा है, कायदा कानून में सबको रह करके अपना चलाना चाहिए गाड़ी चलाना चाहिए। ये कानून जो है ये बहुत अच्छा है, सही मानते हैं, इसके लिए सही मानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार साखी। सरकार का बहुत अच्छा नियम है ये, हमें लोग लाया गया, अगर आदमी अच्छा है बेहतर है डिसिप्लिन में, तो डर जरूरी है, जैसे घर में अगर माँ बाप बेटा पूरा ये अति डरता है, मतलब बदमाशी करता है तो सो मारा जाता है, मतलब नियम मिला जाता है, तो इससे आर्मी में हमें तो पता है ना हर एक साल मतलब कितना लाख आर्मी एक्सीडेंट में मरता है, तो आर्मी में डर रहेगा तब तो नियम फॉलो करेगा, और नियम फॉलो करेगा तो हम लोग अच्छे से रहें। जी सर, ये जो अभी मोटर अधिनियम कानून लागू किया गया है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, और इसको क्या इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए या ठीक है? सर ठीक तो है, बट इतना ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए इसमें, सरकार को थोड़ा फाइन का अमाउंट कम करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते, जितने की उनकी गाड़ी है उससे ज़्यादा का वो चलान काट देते हैं, इसके क्या मतलब, ये तो बिना सरासर लूट है, कुछ ज़्यादा है नहीं, इनको संशोधन करके आपको कानून बनाना, अच्छे से कानून बनाइए, ये फायदा ही के लिए है, फायदा के लिए है, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये अभी जो मोटर अधिनियम कानून लागू हुआ है जिसके संदर्भ में आपका क्या सोचना है, क्या ये कानून सही है, इसको इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए या ठीक है? नहीं, ये कानून गलत है, संशोधन होना चाहिए। फाइन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी फाइन रख दें, अगर यहाँ के कर्मचारी जो भी ऑफिसर लोग हैं, अगर वो ठीक से अपना काम करे तो आदमी लापरवाह होंगे ही नहीं, अपना काम करेंगे। अगर आप होता क्या है, आप कभी उठते हैं एक बार चेकिंग कर लिए फिर छोड़ दिए, इसका मतलब ये तो इसलिए आप कोई भी पब्लिक है ना वो लापरवाह होता ही है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो काम करेगा ही नहीं, बस संशोधन होना चाहिए। मोटर अधिनियम कानून बनाया गया है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये बहुत ही बेवयात कानून है, अगर ये अच्छा तब होता जब इसके एवज में हमें सड़कें भी अच्छी मिल जाती, हम रोड टैक्स देते हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, चालान भी हम हेवी दे देंगे लेकिन हमें उसके बदले में रोड अच्छा मिल जाए तब, नहीं तो ये बकवास है और कुछ नहीं है, इसके अलावा पैसा बटोरने का एक तरीका है और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। जब ये अभी मोटर अधिनियम कानून जो बना है इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, क्या है ये सही है? जब मोटर अधिनियम कानून जो बना है वो सरासरी एक पूरी तरह से बोलिए तो एक लोड पब्लिक पर थोप दिया गया है, अपनी ऐप को छुपाने के लिए, अपनी खामी को छुपाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को ये प्रधानमंत्री पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिए हैं, धरातल में चले आए हैं, देश का अर्थव्यवस्था धरातल में चला आया है, उसकी भरपाई पब्लिक के जिम्मे डाल दी है और ये कुछ नहीं। अभी मोटर अधिनियम कानून लागू किया गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये सही है कि गलत है? ये सही है, नियम निष्ठा में सब चलेगा, इसलिए मतलब बहुत बहुत अच्छा रहेगा, सबका सुरक्षा भी बढ़िया रहेगा, सब सुरक्षित चलेगा। ये तो फाइन ज़्यादा है, कुछ लोगों का कहना है कि फाइन बहुत ज़्यादा है, एक बैग लागू हुआ है ना इसीलिए लोग को अजीब लग रहा है, लेकिन ये बढ़िया। जी सर, ये अभी मोटर अधिनियम कानून अभी लागू हुआ है, इसको बनाया गया है, तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं, क्या ये फाइन जो अभी कट रहा है की गई है वो अच्छी बात है? आप हम गलती नहीं करेंगे, यदि हमको इस बात का भय होता है कि ज़्यादा है, ज़्यादा क्या मतलब, आप अपराध नहीं कीजिए, यदि अपराधी के लिए दंड कोई कम या अधिक कोई दंड नहीं होता, क्योंकि उसका कोई मैंने नहीं मनाया था, उसको 1 रुपया की जगह पर यदि 1,00,000 रुपया भी लगता है तो वो सही। जो अभी मोटर अधिनियम कानून लागू हुआ है आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं, क्या है? हम तो देख रहे हैं कि गलत है ये, क्योंकि फाइन इतना काट दिया, रोड भी सही पूरा ढंग से नहीं, अभी पूरा क्लियर नहीं करता है रोड, जहाँ से पशु विभाग पशु हो गड्ढा हो सारा कुछ रहता है, ये तो गलत है, सिर्फ फाइन काटने से थोड़ी चलता है, और लोकल वाले को भी ऐसे चार्ज काटेगा तो थोड़ी चलेगा, जैसे आप घर से निकलेगा तो उसकी कदम जाएगा तो उसके लिए भी हेलमेट और लाइसेंस जूता पहन के जाएगा। ये जो है मोटर अधिनियम कानून अभी लगा है जो अभी फाइन कट रहा है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, सही है कि गलत है? एक तरह सही भी है गलत भी है।
क्या इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए या क्या? सुधार होनी चाहिए। पैसा बहुत लिया जा रहा है, पैसा जो बहुत लिया जा रहा है, जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ हो नहीं रहा, जो चीज़ की ज़रूरत है हर नागरिक को वो चीज़ हो नहीं रहा, जिसकी ज़रूरत नहीं है वही जो उल्टा हो रहा है। सर ये जो अभी मोटर अधिनियम कानून जो अभी लागू किया गया है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? सही है, अच्छे नज़र से देख रहे हैं। सही है, इससे दुर्घटना भी कमेगा, क्राइम भी कमेगा, दोनों चीज़ के लिए फायदा। इसको मानते हैं कि ये सही है? जी बहुत सही है। ये जो अभी मोटा मोटा जो भी फाइन जो लगेगा जी, तो लोग जो है इसको सुधर जाएंगे। जी, फाइन नहीं लगना चाहिए, मतलब इसमें है कि प्रशासन को चाहिए कि उसको रोक के एक अल्टीमेटम दे दें, है ना, कि दोबारा पकड़े जाने पर आपको फाइन लगेगा। ये जो अभी मोटर अधिनियम कानून के अंतर्गत जो अभी जो कार्रवाई हो रही है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या इसमें ये जो अभी फाइन उनका जो सिस्टम लगाया गया है इसमें आपका क्या कहना है, क्या मानना है? इसमें यह है कि जो फाइन जो अभी ले रहे हैं इसका जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 5,000 रुपये अगर फाइन हमको मार रहे हैं उसमें क्या होता है कि कोई भी बाइक वाले हैं 5,000 रुपये तो लेके चिटा नहीं चल रहा है। ये चीज़ जो है कम होना चाहिए थोड़ा, फाइन होना नहीं चाहिए, लेकिन अब गवर्नमेंट का रूल है तो रूल को चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग उसको सेफ्टी भी है। आपका मानना है कि कुछ फाइन में कमी होनी चाहिए? जी होना चाहिए, फाइन कुछ ज़्यादा ही लिया जा रहा है। और दूसरी बात है कि मान लीजिए गवर्नमेंट लाइसेंस भी इस हिसाब से परेशानी हो रहा है, आदमी को लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है।